हे गाइस, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार के मंडे नाइट रॉ में, यानी कि 7 जनवरी के मंडे नाइट रॉ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई और बहुत से ऐसे फाइट्स हुए जिसे देख के ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। और इस बार के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कुछ ऐसे मैचेस हुए जो कि देखने वाले थे और जिसको देख के फैंस एकदम खुश हो गए। और इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मुझे सबसे बढ़िया मैच जो लगा वो था जॉन सीना, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस वर्सेस WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डीन एम्ब्रोस, बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर। जॉन सीना ने इस बार अपनी वापसी की और बताया है कि वो इस बार रॉयल रंबल में रहेंगे और काफ़ी सारे मैचेस भी खेलेंगे। और आपको बता दें कि इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉक लेसनर भी दिखे थे, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन स्टेज पे खड़े हुए थे, फिर ब्रॉक लेसनर आए जिसके बाद उन्होंने रिंग का एक चक्कर मारा, फिर उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर हंसते हुए चले गए। फिर उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉक लेसनर से कहा कि इस बार का रॉयल रंबल चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैं ही जीतूंगा और जल्दी ही वो मेरे कब्जे में होगा। ब्रॉक लेसनर ने रिंग के पास आके सर्कल इसलिए लगाया और ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर इसलिए हंस रहे थे बिकॉज कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ था कि ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर खड़े हुए थे और ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के आसपास सर्कल लगा के ब्रॉक लेसनर के ऊपर हंस रहे थे। शायद ब्रॉक लेसनर उसी का बदला ले रहे हो। खैर, एपिसोड में जो भी कुछ हुआ उसमें सबसे बढ़िया टैग टीम का मैच लगा जो जॉन सीना, फिन बैलर, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हुआ था। सो इस मैच में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हम फैंस को काफ़ी नोटिस करनी चाहिए कि ड्रू मैकइंटायर और जॉन सीना काफ़ी अच्छे दुश्मन बनते जा रहे हैं। और उसी के साथ सेथ रॉलिंस, जिन्होंने कहा था कि 2019 में मैं सबकी वाट लगा दूंगा, और उन्होंने इस मैच के जरिए सभी फैंस को दिखाया कि वो किस तरीके से 2019 में अपने सारे मैचेस खेलेंगे। इस मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट लड़ी, फिर लास्ट में उन्होंने आके डीन एम्ब्रोस को नॉकआउट किया। फिर लास्ट में हमें डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, जिसमें दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस एम्ब्रोस को हरा देंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ले लेंगे वापस उनसे। लेकिन सेथ रॉलिंस ने बैक स्टेज में जो बॉबी लैशली को मारा था उसका बदला लेने के लिए बॉबी लैशली आते हैं अचानक से और सेथ रॉलिंस को बहुत ही मारते हैं, और फिर बाद में सेथ रॉलिंस उठने के लायक नहीं रहते। डीन एम्ब्रोस, जो कि पहले से ही पिटे हुए थे, वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, देखते हैं कि सेथ रॉलिंस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और फिर डीन एम्ब्रोस इस मौके का फ़ायदा उठा के उनको टेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद वो चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं। तो गाइज, ये था हमारा आज का एपिसोड मंडे नाइट रॉ के बारे में। और ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।